हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का चेंजिंग द सब्जेक्ट ऑफ ए फार्मूला के वीडियो 3 में, ठीक है, वेलकम है। इससे पहले हम लोगों ने इसके 1 वीडियो एंड 2 वीडियो, दो वीडियो देख चुके हैं। एक पहला वीडियो जो था उसमें कंसेप्ट, सेकंड वीडियो में एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स किए थे हमने, ठीक है। तो अगर आपने इसका कंसेप्ट नहीं देखा है, अगर आप मेरे पहले वीडियो पर आए हैं चेंजिंग द सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला, तो आप इसका कंसेप्ट देखें। ये आपको कंसेप्ट इसका मिल जाएगा मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में, ठीक है। मेरा जो चैनल है उसका प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। एक्सपेंशन करके एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उसमें ही आपके एक्सपेंशन, फैक्टराइजेशंस के, चेंजिंग द सब्जेक्ट ऑफ ए फार्मूला के क्वेश्चन जो वीडियो है वो सब उसी में अवेलेबल है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मेक बी द सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला। ये फार्मूला दिया हुआ है, इस फार्मूला का बी हमको क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। फिर बोल रहा है बी की वैल्यू निकालिए जब ए इज इक्वल टू 1 हो, ठीक है। चलिए आज इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए गाइस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ आ जाएगा आपके पास ए 1 माइनस बी स्क्वायर, इधर आपके पास क्या है 1 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो हो जाएगा ए, और यहाँ से हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से आ जाएगा गाइस 1 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आप क्या कीजिए, इसको उधर ले जाइए, इसको इधर ए वाले ए को रखिए, 1 इधर आ जाएगा तो माइनस 1, इधर आ जाएगा तो ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप क्या कर सकते हैं, बी स्क्वायर वहाँ से कॉमन निकाल लें, तो ये हो जाएगा ए माइनस 1, बी स्क्वायर को जब कॉमन निकालेंगे तो बचेगा ए प्लस 1, ए प्लस 1 को इधर लेके आ जाओ तो आंसर आ जाएगा ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू बी स्क्वायर। आपको चाहिए किसका वैल्यू गाइस, आपको चाहिए b का वैल्यू, तो रूट हटाओगे, ठीक है, तो प्लस माइनस a माइनस 1 और a प्लस 1, ए वैल्यू आपको देनी होगी, ठीक है। तो देखिए ये आया आपके पास b का वैल्यू एज ए सब्जेक्ट, ठीक है, और ये फार्मूला आ गया। अब आपको बोला क्या है कि a के वैल्यू 1 पुट कीजिए तो b की वैल्यू क्या होगी। चलिए आइए a के वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो पुट कर दीजिए, तो प्लस माइनस 1 माइनस 1 1 प्लस 1, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 0 अपॉन 2, 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड दो आंसर 0 आता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अगर आप a इक्वल टू 1 रख रहे हो तो b का वैल्यू 0 आएगा आपको, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन, मेक द सब्जेक्ट, ठीक है, मेक जी द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। इस फार्मूला का जी को सब्जेक्ट बनाना है, और बोला जी की वैल्यू निकाली जब एम की वैल्यू 1.2 हो, बी की वैल्यू 4 हो, आर की वैल्यू 2 हो, टी का वैल्यू 2.4 हो, तो उस केस में आपको जी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको जी को सब्जेक्ट बनाना है, तो इसके लिए सबको इधर लेके आना होगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको एक बार आप लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ, टी प्लस एम जी। इस टी को इधर लेके आ जाओ तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, माइनस टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा गाइस, एम जी। एम को डिवाइड में लेके आ जाओ, एम को जब डिवाइड में लेके आओगे तो ये दोनों के नीचे डिवाइड में आएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी एम आर हो जाएगा और यहाँ पर भी टी बाई एम हो जाएगा। इधर कितना बच जाएगा गाइस, जी, एम से एम कटेगा तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर, और ये हो जाएगा टी बाई एम इज इक्वल टू जी। तो हेंस हम क्या लिख सकते हैं इसको, जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस टी बाई एम। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आया आपके पास है ना जी एज ए सब्जेक्ट फार्मूला। अब आपको जी की वैल्यू फाइंड करनी है, कब, तो जी की वैल्यू निकाल लेते हैं, बाकी सभी पैरामीटर्स की वैल्यू को पुट कर दो और जी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो देखिए वी स्क्वायर है तो वी की वैल्यू कितनी लेने बोला है हमको, 4, तो यहाँ लिख लेते हैं 4, तो 4 का स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी लेना है, 2, तो यहाँ लिख लेते हैं 2। माइनस टी की वैल्यू कितने लेने बोला है, 2.4। एम की वैल्यू कितने लेने बोला है, 1.2। इसको सॉल्व कीजिए तो 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, 16/2, पॉइंट से पॉइंट कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2, दिया जाएगा 8 माइनस 2, तो आंसर कितना आ गया, 6। तो गाइज आंसर यहाँ पर जी को जो है वो 6 आ चुका है, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, तो आप स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 3, लिखा मेक एन स्मॉल एन
द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, इस फार्मूला का स्मॉल एन को क्या बनाना, सब्जेक्ट बनाना है। फिर बोल रहा है आप स्मॉल एन को निकालिए जब कैपिटल एन की वैल्यू 108 हो। चलिए आज इसको सॉल्व करते हैं गाइस। देखिए सबसे पहले क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। कितना से मल्टीप्लाई कर दो, 90 से मल्टीप्लाई करो या फिर 90 को डिवाइड में लेके आ जाओ, बात दोनों बराबर है। 90 को डिवाइड में लेके आ जाओ तो 90 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 - 4/n। इस 2 को इधर लेके आ जाओ तो हो जाएगा n/90, ठीक है। -2 यहाँ पर है -4/n, ठीक है। इसको एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 90, यहाँ हो जाएगा 180, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा -4/n, ठीक है। इस अब क्या करो, तुमको n का वैल्यू चाहिए तो थोड़ा सा इसको रेसिप्रोकल लिख लेते। तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, हमारे पास सॉल्यूशन n/-8 ये आ जाएगा 2/n-180, ठीक है। इस 8 को उधर ले जाओ तो 8 × 2 = 16 हो जाएगा, -16/n-180। तो देखिए गाइस ये आ चुका है आपके पास फार्मूला, ठीक है। एज ए सब्जेक्ट n फाइंड क्या करने बोला, n फाइंड करने बोला इफ कैपिटल n = 100n। चलिए आइए तो पुट कर देते हैं, हमारे पास क्या आंसर आएगा, -16 है। n की वैल्यू कितनी है, 108 माइनस वन है ना 180, इसको माइनस कीजिए, ठीक है। माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 72, ठीक है। वो भी कैसे आएगा, -72, आप याद रखें -72, ये माइनस से माइनस कटा तो यहाँ आ गया 16/72। 8 से काटो, ये 2 बार में कटेगा, 8 से कटेगा 9 बार में। तो स्मॉल n की वैल्यू जो है वो आ चुकी है स्टूडेंट्स 2/9। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ स्मॉल n, ठीक है, 2/9। तो देखिए गाइस ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ने से पहले आप इसको स्क्रीन को पॉज करके लिख लीजिए। ले आए गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि f = 1/v + 1/u, फाइंड v, यानी कि v के फॉर्म में आपको क्या बनाना है, फार्मूला बनाना है। इफ़ u = 3f है ना, बोल रहा है v की वैल्यू निकालिए, इफ़ u = 3f है एंड f = कितना है 10, ठीक है। v की वैल्यू निकालनी है, पहले तो आप क्या करो, v के फॉर्म में एक सब्जेक्ट इस फार्मूला को कन्वर्ट कर दो। तो इस u को इधर लेकर के आ जाओ, तो देखिए u को इधर लेकर के आओगे यानी कि 1/v रह जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, 1/f - 1/u, ठीक है। अब आप क्या करो, थोड़ा सा इसका एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर लो तो हो जाएगा u - f और नीचे हो जाएगा uf इस प्रकार से, ठीक है। इसको अगर हम इंटरचेंज करें, इसको इंटरचेंज करें तो v की वैल्यू जो है वो आ चुकी है हमारे पास uf है ना, u - f इस प्रकार से। अब u की वैल्यू कितनी बोली है, ये 3f बोली है इसने, तो पुट कर दो, u की वैल्यू 3f बोली, ध्यान लिख दो 3f है ना, और ऑलरेडी यहाँ पर f था, u = यहाँ पर हो जाएगा 3f - f। तो v = कितना आ जाएगा, 3 है ना f² और नीचे आ जाएगा 2f इस प्रकार से, ठीक है। f से f कट कर दीजिए तो यहाँ पर v की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस, f से f कट करेंगे तो ऊपर में बच जाएगा 3f, ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा 2। तो देखिए ये आ चुका है v का वैल्यू है इन द फॉर्म ऑफ f, बोला कितना, f का वैल्यू 10 लेने बोला तो f की वैल्यू 10 ले लीजिए। तो v = कितना आ जाएगा गाइस, 3 × 10 / 2, इसको कट कर दीजिए 5, ठीक है। तो v = जो है आपका 15 आ चुका है, ठीक है, तो v = 15 आ चुका है। तो देखिए गाइस ये था क्वेश्चंस, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले आप स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। क्या गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव है, इफ़ 2q + 3p = 3p - q/2r, एक्सप्रेस p इन टर्म्स ऑफ q एंड r, p की वैल्यू q और r के फॉर्म में निकालनी है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p व्हेन r = -2 and q = 1। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना है, यानी p की वैल्यू q और r के फॉर्म में निकालनी है। चलो तो देखिए हम इसको जब सॉल्व करेंगे, यानी कि जो डिनोमिनेटर में है उससे मल्टीप्लाई होगा, तो डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 2r, और इधर हमारे पास ऑलरेडी क्या है 2q + 3p = 3p - q, ये है हमारे पास, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे थे हो जाएगा 4 है ना r q
और ये हो जाएगा 6 आर पी, इधर क्या मेरे पास 3 पी माइनस क्यू। आप क्या करो, इस आर पी को उधर ले जाओ, क्यू को उधर लेके आ जाओ, या फिर हम ऐसा करते हैं इसको उधर लेके आ जाते हैं तो दोनों माइनस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको आप जिधर लेके जाना चाहो। तो कुल मिला करके हम क्या लिख लेते हैं, 3p माइनस 6rp, यानी कि इसको उधर लेके चलेगा, इसको उधर लेके आ जाओ तो हमारे पास ऑलरेडी क्या है 4rq, और यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा ये प्लस q। अब आप देखिए गाइस, यहाँ से p जो है आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो जब p कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 6r, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 4rq है ना प्लस q। तो p की वैल्यू जब निकालेंगे, यानी p इज इक्वल टू हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 4rq प्लस q डिवाइडेड बाय 3 माइनस 6r। तो देखिए गाइस, ये हमारे पास आ चुका है सब्जेक्ट, है ना, एज ए p, तो p के फॉर्म में सब्जेक्ट आ चुका है। अब हमको बोला है कि आप p की वैल्यू फाइंड कीजिए व्हेन r इज इक्वल टू माइनस 2 और q इज इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या कर सकते हैं गाइस, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू जो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 4 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू माइनस 2, क्यू की वैल्यू 1, फिर यहाँ भी 1, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई माइनस 6 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू माइनस 2। तो देखिए हमारे पास क्या आने वाला है, ये तो हो जाएगा ऊपर में माइनस 8 प्लस 1, ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 3, और यहाँ से हो जाएगा प्लस 12, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, तो ऊपर बचेगा माइनस 7, नीचे आ जाएगा 15, तो p की वैल्यू जो है गाइस माइनस 7 अपॉन 15 आ चुकी है, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को शेयर भी करते रहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले आप क्या कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए स्क्रीन को पॉज करके, ठीक है। क्या गाइस, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। क्वेश्चन है गिवन x रेशियो m स्क्वायर माइनस 2n इज इक्वल टू y रेशियो m स्क्वायर प्लस 2n, मेक n एज द सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला, यानी n को सब्जेक्ट बनाना है फार्मूला का। फिर बोल रहा है 3m इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है, तो बोल रहा है n का वैल्यू क्या होगा। चलिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं n का, उसके बाद बाकी सभी वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको लिख लीजिए, x अपॉन क्या लिखा हुआ है m स्क्वायर माइनस 2n, और यहाँ लिखा हुआ है y अपॉन है ना m स्क्वायर प्लस 2n। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो गाइस, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो यहाँ आ जाएगा x, और ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा y m स्क्वायर माइनस 2n। क्या कर सकते हो आप, इसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा x m स्क्वायर प्लस 2nx, यहाँ से आ जाएगा y m स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा माइनस वाई है ना माइनस 2yn। अब क्या करो, क्योंकि n निकालनी है, इसको इधर ले आओ, उसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2nx, यहाँ हो जाएगा 2yn, यहाँ पर हमारे पास y m स्क्वायर है ना y m स्क्वायर है, यहाँ से आ जाएगा तो x m स्क्वायर हो जाएगा गाइस, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग अभी n को कॉमन निकाल लेते हैं, 2n को कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है, तो 2n को जब कॉमन निकालोगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई, ठीक है। यहाँ से आप क्या करो, m स्क्वायर को कॉमन निकाल लो तो बच जाएगा y माइनस x, हमको तो n की वैल्यू चाहिए, बाकी सबको डिवाइड में भेज दो। तो n की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाकी सब डिवाइड में आ जाएगा, कौन कौन डिवाइड में आएगा देखो, 2 है और x प्लस वाई, ये सब डिवाइड में आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई x प्लस y। तो देखिए गाइस, ये आया आपका n एज ए सब्जेक्ट, ठीक है, ये आया n एज ए सब्जेक्ट। अब आपको क्या करनी है, m की वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू पुट करनी है, उससे पहले भी आप क्या करो, m की वैल्यू निकालो। देखो 3m इज इक्वल टू 15 है, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी 15 अपॉन 3, यानी कि 5, m की वैल्यू 5, और 5x इज इक्वल टू 15 है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 15 अपॉन 5 यानी कि 3, और y इज इक्वल टू ऑलरेडी कितना दे रखा है 15, तो सबकी वैल्यू पुट करेंगे और n की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए m का स्क्वायर, m मतलब 5, तो 5 का स्क्वायर क्या है, y माइनस x, y मतलब 15 और x मतलब 3, ठीक है, यहाँ पर क्या है 2, और अंदर में क्या x प्लस वाई, यानी कि 15 प्लस 3, तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, यहाँ से बचा 12,
और ये हो गया दो और ये हो गया 18, 15 3 18, ठीक है। इसको दो से काटो कितने बार में कटेगा, 6 बार में। इसको 6 से काटो कितना कटेगा, 3 बार में। तो आपके पास आंसर कितना बचा गाइस, 25/3। तो देखिए ये आ चुकी है एन की वैल्यू 25/3, ठीक है। तो देखिए गाइस, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, एक जगह से दूसरे जगह शेयर कीजिए, ठीक है, दोस्तों के पास, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, जैसे भी आप शेयर करना चाहें शेयर कीजिए, ठीक है। और देखिए जितनी भी वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं, जितने भी, उन सभी वीडियो का लिंक जो है आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम अकाउंट में, आदर्श क्लासेस, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो टेलीग्राम पर भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है, आदर्श क्लासेस। तो टेलीग्राम पर भी आपको सभी वीडियो का लिंक अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय।